नाज़रीन, आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, उसके साथ साथ बात फनी भी है। एक वाकया पेश आया है लैया के अंदर, जहाँ पर एक शख्स जो है वो चोर है, अपने एक साथी के साथ एक टेलर की शॉप से उसके शॉप के ताले तोड़कर 12 नए स्टिच ड्रेसेस उठाकर चला जाता है। होता कुछ ऐसे है कि दर्जी बेचारा अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाता है, तो ये चोर अपने साथी के साथ आता है, रात को उसकी दुकान के ताले तोड़ता है, ताले तोड़ने के बाद 12 सिले हुए सूट वहां से जो नए जोड़े थे उठाकर ले जाता है। इसके बाद दर्जी बहुत ज्यादा परेशान होता है। ईद का मौसम है, दर्जी बेचारे दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलाई कर रहे हैं, 12 जोड़े, 12 लोगों के जोड़े, किस तरह को रिएक्शन देगा, 100 परेशानी होती है। उसके बाद जब उसने कंप्लेन की तो वहाँ के SHO का कहना है, पुलिस का कहना है कि हमें बड़ा तरस आया कि एक बंदे ने इतनी मेहनत करके कपड़े सिए, ईद सर पर है, उसके ऊपर कितना प्रेशर और कितना बर्डन होगा। इस तरह के जब केसेस होते हैं पुलिस का कहना था, तो हम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हमने उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लिया, हमने फौरन उस गरीब की मदद की, हमने चोर को ट्रेस कर लिया। लेकिन अब ट्विस्ट ऐसा है कि चोरी करने के बाद इत्तकाफ में जाकर बैठ गए। ये बड़ी एक अफसोस की बात है, मुझे हैरान की होती है कि हमारा मुआशरा आखिर किस तरफ जा रहा है कि अगर आप एक चोरी करके आने उसके बाद आप इस्लाम के नाम पर अपने आप को बचा रहे हैं, अपना गुनाह बचा रहे हैं ताकि आपको कोई पकड़े ना, या फिर आपके बारे में कहा जाए कि ये तो इत्तकाफ में थे, बेचारा कैसे चोरी कर सकते हैं। अपने गुनाह छुपाने के लिए आप इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया की बात है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। खैर, उसको ये लगा था कि मैं इत्तकाफ में बैठ गया हूं तो पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन पुलिस ने उसको ट्रेस करके उसको गिरफ्तार कर लिया और जिनके जोड़े थे उनके जोड़े भी उनको वापस दे दिए। उसके साथ साथ उसका जो साथी जोड़ है उसकी भी तलाश जारी है। ये खबर फनी तो है, यकीनन आप सबको बहुत फनी लगी होगी कि एक चोर चोरी करने के बाद इत्तकाफ में जाके बैठ गया। लेकिन फनी है उसके साथ साथ ये लम्हा फिक्रिया भी है कि आप चोरी करके एक गुनाह करके और आप इस्लाम का सहारा लेना आप इत्तकाफ में जाके बैठे ताकि आप बच सकें, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ। पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया, ट्रेस करने के बाद गिरफ्तार कर लिया और सबके जोड़े भी उनको वापस कर दिए।